सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत देश मेलाओं का देश है। यहाँ के बड़े मेलाओं में समक्का सारलम्बला मेला भी है। ये तेलंगाना के करीमनगर जिला के मेडारम गांव में घने जंगलों के बीच, जहाँ चारों ओर पहाड़ है, उनके बीच में देवियों का मंदिर है। जो भी भक्त वहां जाकर वर मांगते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। इन देवियों का मेला 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये वहां के आदिवासियों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस त्योहार में लगने वाले मेले का नाम है मेडारम मेला। इन देवियों का कोई मुख्य ग्रंथ नहीं है। समक्का सारलम्बला नामक बहुत सी पुस्तकें प्रचलित हुई हैं। उन्हीं पुस्तकों में से घटनाओं को लेकर मंदिर के आसपास के गणमान्य बुद्धिमान और वृद्ध लोगों ने उन देवियों की जानकारी लेकर उनकी वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस कोशिश में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ कीजिएगा। इस फिल्म को बनाते समय हमें मदद करने वाले सुंकीशाला ग्रामवासियों को, मुल्लुगु मेडारम के लोगों को, अभिनय करने वाले लोगों को, पुलिस वालों को, हमारी ओर से सभी को धन्यवाद। आपका बी सुरेश बाबू। चढ़िए मैडम, चढ़िए, आराम से चढ़िए, आराम से लाइन में जाइए, जाइए जाइए। चलिए मैडम, चढ़िए चढ़िए, आइए मैडम, आइए आप भी चढ़िए। हाँ चढ़िए चढ़िए, आराम से चढ़िए, चढ़िए चढ़िए, चलिए आप भी चलिए, संभाल के चलिए मैडम, चलो चलो। मेडारम पहली बार जा रहे हो क्या? हाँ भाई साहब। समक्का देवी की मन्नत से? हाँ, मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, इसलिए मेरा नाम भी उन्हीं पे है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सम्मैया। ये नाम है? हाँ। मेडारम पूरा जंगल एरिया है ना? हाँ। मेडारम में सच में भगवान है क्या? अरे तुझे क्या लगता है, वो बहुत जागृत देवी है।
उनकी महिमा नहीं होती तो करोड़ों लोग क्यों जाते? तुम नहीं गए क्या? तुम लोगों को पता है वो मेला कब से शुरू हुआ है? संबक्का सरका का इतिहास क्या है तुम लोग जानते भी हो? कब शुरू हुआ ये तो पता नहीं, पर हमारे दादा परदादा जमाने से जा रहे हैं। क्या? तो फिर किसी को मालूम नहीं है? ए, मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? ए, मुझे सब कुछ पता है। पता है तो बताओ ना। बताओ। चुप चुप रह तू। पहले अपनी लुंगी तो ठीक से बांध ले, बताने चला। ये सच है, ये सच है, समक्का सारका देवी सच है। जो वर मांगेगा उसे सोना मिलेगा, ये सच है, ये सच है, समक्का सारका देवी सच है। हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, जो प्रण किया है उसे पूरा करना है, माता की महिमा को कभी भूलना नहीं है, ये सच है, ये सच है, समक्का सारका देवी सच है। समक्का देवी की जय, 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 समक्का देवी की जय। आ जाओ, आ जाओ, बस आ रही है। आ गया, हाँ बस आ गई। रोको भाई, रोको, बस रोको, रोको रोको रोको। चलो बेटा आ जाओ। भाई बच्ची को बैठने दो। चलो बैठो बेटी। टिकट टिकट, यस टिकट टिकट, हाँ टिकट लो भाई टिकट। कहाँ जाना है? मेढारम। ये लो। कड़प्पा देवी को हाथ जोड़ो। हाँ, ओ, ओ। क्यों बाबा जी, कहाँ जा रहे हो? मेढारम जा रहा हूँ साहब। समक्का सरका के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ ना। हाँ हाँ जरूर बताऊंगा साहब। देवी बोलो, समक्का देवी, माँ सरका देवी बोलो। बताता हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेढारम की कहानी है। सैकड़ों साल पहले वहाँ बहुत सूखा पड़ा, ऐसा मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। क्या बात है, सारा गांव यहाँ पर आया हुआ है? हिम्मत कहाँ से आएगी, नदी पूरी सूख गई, अनाज भी खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ मृत्यु ही बाकी है, अब तो सिर्फ मृत्यु ही बाकी है राम बाबा। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसी हालत में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत कहाँ से आएगी बाबा, नदी का सारा पानी सूख गया, जंगल के सारे फल खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ मृत्यु ही बाकी है। जंगप्पा, भगवान हर कदम पे पहले बहुत से कष्ट देते हैं और उसके बाद वो सुख देते हैं, दिन और रात बदलते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें रास्ता दिखाने वाले वही हमारे पिता और माता हैं। चलो उन्हीं से जाके कहते हैं, आ जाओ।
बाबा, राम बाबा, राम बाबा। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? समस्या नहीं, चमत्कार है। हाँ बाबा, बहुत विचित्र था वो। क्या विचित्र देखा? नदी के पास एक छोटा सा बच्चा है। इतना ही नहीं बाबा, हाँ? उस बच्चे को धूप से बचाने के लिए, हाँ? नागराज अपना फन फैलाए बैठे हुए हैं। हाँ? ये सच है क्या? चलिए ना बाबा, जाके देख के आते हैं। चलिए ना, उस बच्चे को देख कर आते हैं। ठीक है गुरुदेव, आपने देखा क्या? कुछ तो है, चलो चल कर देखते हैं। ये बच्ची कितनी प्यारी है, जंगल की माँ ने हमें ये बच्ची दी है। अब से ये हमारी ही बच्ची है, हमें कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए भगवान ने ही हमें ये बच्ची दी है। इस बच्ची का नाम आप ही रखिए। ठीक है गुरुजी, बच्ची दिखने में बहुत प्यारी है, इसलिए इसका कोई अच्छा सा नाम रखिए। रमन्ना, ये भगवान की दी हुई बच्ची है तो क्या नाम रखना अच्छा होगा? संबक्का बालिका। समक्का, समक्का बालिका। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है ना। हाँ सच में। समक्का बालिका। समक्का बेटी, समक्का बेटी कहाँ चली गई? समक्का बेटी, सितम्मा, समक्का कहाँ चली गई? यही आसपास खेल रही होगी, ढूंढिए जरा। बेटी समक्का, बेटी समक्का कहाँ हो? बेटी समक्का, समक्का कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पिताजी। समक्का कहाँ गई थी बेटी? यहीं रुको। माँ जी बताइए इसे क्या हुआ? पेट में बच्चा पलट गया है, अभी बच्चे को जन्म देने में परेशानी हो रही है। तो अभी क्या करें? तुम भी ऐसे कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बाबा, सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। क्या बात है पिताजी? तुम अभी बच्ची हो, ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए, तुम घर जाओ। क्या हुआ मंगल मामा? तू अभी छोटी बच्ची है, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तू घर जा। बेटी तुम अंदर मत जाओ, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे जाने दीजिए, उन्हें तकलीफ हो रही है। तू अभी छोटी है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तो क्या मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ? रुको बेटी, बेटी बेटी, बेटी रुक आश्चर्य है बाबा, आपकी बेटी ने जैसे ही उसके पेट पर हाथ रखा, उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। समक्का के जन्म के बाद से ही बारिश होने लगी, हम खेती करने लगे, हमारी समस्याएं दूर हो गई। ये तो देवी का अवतार है।
लेकिन कहाँ गई समक्का? कहाँ फेंकी तुमने? वो तुम्हें नहीं दिखाई देगी, मैं जाकर ले आती हूँ, तुम यहीं ठहरो। बेटी कहाँ जा रही हो तुम? रोज इसी वक्त जाती हो तुम, कहाँ जा रही हो बेटी? माँ ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की साधना भी करनी है, गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सीखना है, हमें पैदा करने वाले भगवान को प्रणाम भी करना है। मेरी प्यारी बच्ची, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है तू। मेरी छोटी सी बच्ची बड़ी बड़ी बातें करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सूरज डूबने से पहले लौट आना, इस जंगल में भयानक जानवर रहते हैं, शेर हाथी बाघ। जी ठीक है माँ। कोंडा, समक्का बेटी? हाँ कोंडा, मैं समक्का बेटी ही हूँ, इस जंगल की बेटी। तुम डरो मत, अब से तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो कोंडा, तुम्हारा सब शुभ होगा। तुम जाओ कोंडा। ठीक है माँ। मेरी बेटी, हाँ। भविष्य में तुम इस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे प्रांत को बचाओगी, तुम एक वीर नारी बनना है। बाबा बाबा, कहीं से एक हथनी आकर हमारे गांव में तोड़फोड़ कर रही है, कई लोगों को घायल भी कर दिया है, सारे गांव वाले वहीं जमा हुए हैं। बाबा कहां से आई है, क्या चाहती है वो? गांव के अंदर घुस रही थी तो हमने उसे रोका, अभी गांव में घुसकर वो उत्पात मचा रही है बाबा। गजराज रुक जाओ, तुम मुझसे ही मिलने आ रहे थे ना, और इन लोगों ने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया। गजराज अब जाओ। समक्का देवी की जय। इस गांव में समक्का माँ की वजह से ही हम यहाँ शांति से जिंदगी जी रहे हैं।
हाँ मामा, वो समक्का हमारी देवी है। अगर वो देवी नहीं होती तो मेरी पत्नी कब की मर चुकी होती। सही कहा मंगल, वो माँ हम सब पर नजर रखती है, इसीलिए हम सब सुखी हैं। पिताजी, मैं जरा पहाड़ पर जाकर आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटी। राम बाबा को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठिए। और घर पर सब ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक है। आपका बेटा साथ में नहीं आया? वो सुबह उठते ही गायों को चराने ले जाता है। हाँ बोलिए, क्या बात है? बेटी समक्का इस वक्त कहाँ जा रही है? हाँ कुछ भी नहीं, अपनी सखियों के साथ पहाड़ पर घूमने गई है जरा। राम बाबा, बेटी की अब उम्र हो गई है, उसके विवाह के बारे में क्या सोचा है? सही बोला आपने, बच्ची बड़ी हो गई है लेकिन उसके विवाह के बारे में इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है, हमारी देवी है वो, हमारी बेटी की पसंद का और हमारे पसंद का कोई हो तो। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपका जितना दबदबा है कोई साधारण दामाद थोड़ी चलेगा। राम बाबा, मेरा बेटा गंपन्ना अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाया है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। कौन है वो, किसकी बात कर रहे हैं? उनके पास 80 गाय भैंसे हैं, 6 एकड़ जमीन है, ऊपर से लड़का सारी विद्याओं में निपुण है और हमारे रिश्ते में भी है। ये तो ठीक लग रहा है जी, हमारी सम्मक्का उस घर में बहुत सुखी रहेगी। ये क्या, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, किसी के घर नहीं? ऐसा नहीं है राम बाबा, लड़कियाँ दूसरे के घर में ही जाती हैं। मेरी बेटी लड़की नहीं है, इस घर का लड़का है, मेरी बेटी और दामाद को यहीं रहना होगा बस। ऐसी बात है क्या राम बाबा? हाँ। देवर जी दुखी होकर चले गए। सितम्मा, हमारा दामाद वही बन सकता है जो बहुत ही महान होगा, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया था। मेरी बेटी का हाथ मांगने वाला न जाने कब आएगा। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारे गांव में जंगली जानवर घुसकर हमें परेशान कर रहे हैं प्रभु, हमारे खेतों को, हमारे घरों को पूरा बर्बाद कर दिया है प्रभु। महाराज, अब आपको ही कुछ करके उन जंगली जानवरों से हमें बचाना होगा महाराज। आप सबको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अभी जाकर उस प्रांत से जानवरों को दूर भगाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। मंत्री जी। जी महाराज। आपने पूरी वार्तालाप सुन ली है तो फिर तुरंत हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। इसकी जरूरत नहीं है मंत्री जी, इस छोटे से कार्य को करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है महाराज, उसके लिए मैं जाता हूं। अगर आप अनुमति दे दे तो मैं चला जाता हूं। तुम जाओगे? आखिर तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये मैं समझ नहीं पाया। मंत्री जी, महाराज को इतनी छोटी बात के लिए परेशान करने की क्या जरूरत? महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस कार्य को करना चाहूंगा, उस जंगली जानवर को जहां से वो आया था वहीं वापस भगा दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। महाराज, आपको निराश नहीं करेंगे ये। वाह बहुत बढ़िया, तो जाओ और विजय होकर लौटना। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। विजयी भव। सुनो। आइए चंदा। अचानक कहां जा रहे हैं आप? महाराज ने आज्ञा दी है कि जंगली जानवरों को जंगल की ओर भगाया जाए, चलता हूं। Bye.
कौन है यति लोक सुंदरी? आदिवासी कन्या है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भगवान ने उससे मिलने के लिए ही मुझे इस जंगल में भेजा है। मुझे किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। थोड़ा इंतजार करता हूं। कौन है आप? दिखने में तो आप कोई महाराज लगते हैं। तुमने ही अभी कहा ना कि मैं महाराज हूँ, तो मैं महाराज हूँ। पहेलियां मत बुझाइए, इनसे कहो कि अपना परिचय ठीक से दें। बीच में इस तरह से क्यों बोल रही है? सुना नहीं। दीदी क्या पूछ रही है? आप ही पूछ लीजिए। बताइए आप कौन हैं और इस प्रांत में क्या कर रहे हैं? शिकार के लिए आया। लड़कियों का शिकार करने आए हैं? नहीं, जंगली जानवरों का। मतलब हम आपको जंगली जानवर लग रहे हैं? अरे नहीं, प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती समेट के जिस लड़की का इतने प्यार से निर्माण किया हो, उसे ऐसा क्यों कहूँगा? ये जंगल ही तो उन जंगली जानवरों का एकमात्र ठिकाना है, उनका शिकार करना पाप होगा। लेकिन जो जानवर आदमखोर हो, उससे प्रजा की रक्षा करना राजधर्म होता है। हमारे राज्य के एक गाँव में जंगली जानवरों का आतंक छा गया है। मैं उस जानवर को भगाने के लिए आया था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। भाग्य अच्छा है कि आपसे मुलाकात हो गई। आप किस राज्य से आए हैं बताएं? एलागंड राज्य के युवराज हैं हम। मेरा नाम पड़ीगति राजू है। और आपका नाम? आपको हमारी समक्का दीदी का नाम जानना है क्या? इसका मतलब तुम्हारी दीदी का नाम समक्का है क्या? मतलब यही तो नाम है। अब इतनी जानकारी बस हो गई। चलो दीदी चलते हैं। आपके पिताजी राम बाबा आपकी राह देख रहे होंगे। तो ये बात है, मेड़ाराम आदिवासियों के मुखिया राम बाबा की पुत्री हैं। अब हम चलते हैं। इतनी दूर आए हैं, हमारे गांव में एक बार जरूर आइएगा। आपने मुझे निमंत्रित किया, ये सच में मेरा सौभाग्य है। आप हमारे गांव में आए, ये बहुत खुशी की बात है महाराज। इस मेड़ारम गांव ने कोई पुण्य किया होगा। राम बाबा, आप जैसे महानुभाव से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे महाराज को कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं, कोई कष्ट नहीं। इस साल आप लोगों की खेती तो अच्छी हुई है ना? देवी के आशीर्वाद से जब से इसने हमारे घर में पैर रखे हैं, तब से हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है। इस गांव के लोग प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जिस कार्य से आए हैं पूरा हो गया? हुआ बाबा, यहाँ के जंगली जानवरों से थोड़ा। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है आपके आने की वजह यही है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, और इसी के कारण आपसे मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिला। बाबा आपके संतान कितने हैं? ये है हमारी बेटी समक्का, देवी का प्रसाद है। यहाँ के सभी लोग इसे देवी की तरह पूजते हैं। महाराज चल के कुछ खा लीजिए, आप राजघराने से हैं, आपका राजसी स्वागत तो नहीं कर सकते, परंतु जहाँ प्रेम होता है वहाँ की सूखी रोटी भी अमृत है। बेटी समक्का, तुम ही इनकी ठीक से देखभाल करो। ठीक है पिताजी। आपके इस आतिथ्य से मैं कृतज्ञ हूँ। आप जैसे लोग हमारी इस कुटिया पर आए, आपकी इच्छा को पूरी करना हमारा धर्म है महाराज। हम आपको खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा महाराज। मैं जो मांगू वो देंगे? मैंने बोल दिया है महाराज, गरीब से मांग कर तो देखिए। आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा, शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा महाराज। अब आप आग्रह कर रहे हैं तो मांग ही लेता हूँ, किंतु बाद में आप मुकर तो नहीं जाएंगे? मैं इस गांव का बेटा हूँ, दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अगर वो मेरा खुद का है तो अवश्य दूंगा।
अगर आप नहीं दे पाए तो मांगने का कोई औचित्य ही नहीं। बोलिए महाराज, हाथी का दांत चाहिए, शेर का चर्म चाहिए या फिर शेर का नाखून चाहिए, जो भी चाहिए मांग लीजिए। इन सबसे बढ़ के चाहिए इससे बढ़कर और हमारे पास क्या होगा राजा जी? अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बेटी समक्का को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी समक्का से आप विवाह करना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं आपको पता है महाराज? राम बाबा, मैं अंतपुरम के मेढ़ी राजा का भांजा हूँ। उन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, अनाथ हूँ इसलिए। वो चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी से विवाह कर लूं और मैं वहां का राजा बन जाऊं। हाँ, परंतु जैसे ही मैंने आपकी पुत्री को देखा, मैं अपना हृदय हार बैठा। इनके सामने तो वो राज्य भी तुच्छ है। मगर हमारा जो कुल है, मनुष्य तो सभी एक समान होते हैं। आपकी पुत्री मेरे हृदय में समा चुकी है, उनके दिल की बात आप ही पूछ लीजिए। पहले आप बड़े महाराज से अनुमति तो ले लीजिए। बचपन से ही उन्होंने आपको पाला है, उनका आशीर्वाद आपके लिए आवश्यक है। आप समझ रहे हैं ना महाराज? ठीक है, मामा जी से बात करके मैं अगले पूर्णिमा तक बता दूंगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? एक जंगली लड़की के लिए तुम हमें, हमारे इस राज्य को और हमारी बेटी को तिरस्कृत कर रहे हो? क्षमा कीजिए प्रभु, जंगल की लड़की हुई तो क्या हुआ, मेरा प्रेम सिर्फ उसी के लिए है। हमारी पुत्री में ऐसा क्या नहीं है जो उस लड़की में है? उसकी सुंदरता की क्या व्याख्या दूं? लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति अवतरित हुई है। लगता है किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए उसने जन्म लिया है। अगर आपकी अनुमति हो। हमारी अनुमति क्यों? इस घर के दामाद तुम ही हो, हम बचपन से तुम्हें ही मानते आए हैं। ऐसी बात नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम्हारे पालन पोषण में हमसे कोई कमी रह गई है क्या? मामी जी, मेरा हृदय अब उसका हो चुका है। बेटा, देवी, अब इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। एक जंगली लड़की के लिए ये हम सबका तिरस्कार कर रहा है। बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो। यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम हमसे माफी मांगने का अधिकार खो चुके हो और इस राज्य में रहने का भी। ये बात मेरी पुत्री को ज्ञात होने से पहले इस राज्य से निकल जाओ। स्वामी महाराज। हाँ, एक महाराजा के अधिकार से ही कह रहा हूं, इस राज्य से तुम्हें बहिष्कृत किया जाता है। सूर्योदय से पहले तुम इस राज्य को छोड़कर चले जाना। अब जाओ। जैसी आज्ञा। यहाँ हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? किसी की राह देख रही हो? आज क्या पूर्णिमा नहीं है? आज नहीं है, कल है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है? सच में हमें नहीं पता? तुम अब तुम ही बताओ ना। सच में पता नहीं है या फिर पता होने के बाद भी नाटक कर रही हो? हाँ, हमें सब पता चल गया। क्या पता चला? कि वो अजनबी यहाँ आकर तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? परंतु वो एक राजा है और मैं एक आदिवासी, इस जन्म में हम दोनों का मेल होना संभव नहीं लगता। छे छे, ऐसा मत कहो तुम। उनके दिल में, उनकी बातों में सिर्फ तुम ही तुम हो। उनका प्यार पवित्र है, ये मैं जानती हूँ। भगवान ने उस वीर पुरुष को सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है।
परंतु उनके मामा जी ने मना कर दिया होगा। वो नहीं माने तो क्या हुआ, वो वीर पुरुष रुकने वाला नहीं, तुम्हारे लिए अवश्य आएगा। हृदय में वेदना हो रही है। औरतों का दिल ऐसा ही होता है, प्रेम होने के बाद वेदना होती ही है। बस करो, बहुत बातें कर ली, अब जाओ। जाते हैं, तुम्हारे विवाह के बाद रोकोगी तो भी हम नहीं रुकेंगे। राम बाबा नमस्कार। आइए महाराज, आइए। आ गया हूँ बाबा, परंतु महाराज के रूप में नहीं, सामान्य मनुष्य के रूप में, अति सामान्य मनुष्य। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे मामा जी मेढ़ी राजा हमारे संकल्प को नहीं मानेंगे। वो बड़े हैं ना, महाराज है वो ना। मैंने उनसे भिक्षा मांगी, पैर पकड़ा, परंतु उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया। शायद इसमें भी मेरा कोई भला हो। सारे रिश्ते तोड़ कर आया हूँ, अब आपके निर्णय पे ही मेरा जीवन आधारित है। चिंता मत कीजिए महाराज, आज से आप इस राम बाबा के दामाद हैं। इस गांव में आज से आपका भी एक हिस्सा है। सभी लोग ध्यान से सुने, आज से ये भी इसी गांव के पुत्र हैं, मेरे दामाद हैं। जैसे ही विवाह होगा वैसे ही इस गांव के मुखिया का पदभार संभाल लेंगे ये। ये कैसे हो सकता है बाबा? आपके बाद इस गांव का मुखिया या तो मेरे पिता को होना चाहिए या फिर मुझे होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है मुखिया? क्या कह रहे हो तुम, कान खोल कर सुन लो। कोई मुखिया बनेगा तो मेरे ही परिवार का बनेगा, क्योंकि सदियों से इस गांव की शुरू से यही परंपरा रही है। लड़की को शादी करने के बाद उसके पति के घर में जाना चाहिए, यही प्रथा है। क्यों, ये कौन सी प्रथा पैदा कर रहे हो तुम? मैं जो कहता हूँ वही प्रथा होती है। समझाओ इसे कि मैंने क्या कहा। राम बाबा, क्या मैं एक बात कहूँ? बोलिए गुरुजी। पुराने जमाने से ही ऐसी समस्याओं का एक समाधान है। क्या है वो? हम जंगलवासी हैं, बेटी का विवाह करना तुम्हारा धर्म है। पदवी के लिए हम मुकाबला रखेंगे, जो जीतेगा वो मुखिया। आपने ठीक कहा राजगुरु जी। राम बाबा, जरा इससे कहो कि मुझसे दो दो हाथ कर ले, अगर जीता तो बेटी और पद इसका, नहीं तो संबक्का इसकी और गांव का मुखिया मैं बनूंगा। बोलो मंजूर है? मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम अगर लड़ना चाहते हो तो मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुकाबला होगा। अब ये दोनों तलवारबाजी करेंगे। हाँ, शुरू करो। Thank you.
राजू इस मुकाबले में जीत गया है। आज से यही इस गांव का मुखिया होगा। देवी, तुम मुझे मिली है मेरा सौभाग्य है। इतनी सौम्य और सुंदर स्त्री मेरी जीवन संगिनी बनी। मेरा यह हृदय सदैव उस अंतर्यामी का ऋणी बना ही रहेगा। जीजाजी, आप बुलाने पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। तुमने बुलाया तो हम कैसे नहीं आते? तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन भैया? मैंने तो जीजा जी से लड़ाई की थी, फिर भी इनका दिल बहुत बड़ा है जो ये यहाँ आए। गंगा, तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत नहीं था, उसे भूल जाओ। तुमने हमें भोजन पे बुलाया है, बातों से ही पेट भरोगे? नहीं जीजा जी, खाना बना हुआ है। और हाँ जीजा जी, आपके लिए मैं सुबह सुबह मधुमक्खियों का ताजा शहद लाया हूँ। इसे चखिए। गंगा भैया, परंपरा के हिसाब से पति के खाने से पहले पत्नी उसे चखती है, याद है ना? अरे तुम मत खाओ, ये जीजा जी के लिए है। गंगा, कोई बात नहीं, पीने दो उसे। ऐसा नहीं है जीजा जी, इसमें बस थोड़ा ही है इसलिए। संबक्का बहन, क्या हुआ संबक्का? मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ मधु ही पी रही हूँ, है ना गंगा भैया? मुझसे गलती हो गई बहना, मैं हार गया था, इसलिए उसी गुस्से में मैंने ऐसा काम किया। तुम मामूली नहीं हो, तुम हमारे घर की देवी हो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ गंगा, क्यों रो रहे हो? उठो जीजा जी, वो कोई बात नहीं भैया, तुम रो मत। उसे रोने दो बेटी, उसने गलती की है। उसकी बहन ही नहीं, तुम इस पूरे गांव की देवी हो। आज से मैं जीजा जी की खुद रक्षा करूंगा, ये मेरे प्राण हैं, ये मैं प्रण लेता हूँ। चाचा जी, खाने का इंतजाम कीजिए, आपके दामाद के विश्राम का समय हो रहा है। Thank you.
माँ मैं भी आऊंगी। तुम क्या करोगी आकर? तुम जाकर खेलो। नहीं माँ, मुझे भी आना है, मैं भी आऊंगी। नहीं बेटी, मैं जंगल जा रही हूँ। मैं चलूंगी ना। नहीं बेटी, चलूंगी। ठीक है, चलो। और इस तरह सम्मका की बेटी बड़ी हो गई। क्योंकि मैं सम्मका की बेटी बनकर आई हूँ, ये सोचकर सारक्का भी अपनी महिमा से सबकी रक्षा करती आ रही है। बाबा, वो परिगति राजू सांप बन के पहाड़ में दिखता है क्या? उतना ही नहीं, जब मेला होता है तब आकाश से पहाड़ पर रोशनी आती है, ऐसा कई लोगों ने देखा है भाई। ऐसा है क्या? हाँ। सम्मका के बारे में बोलते बोलते आप रुक गए थे, बताइए ना। उन माताओं के बारे में जितना भी बताया जाए कम है। ओम महाशास्त्राय नमः, ओम विश्वशास्त्रीय नमः, ओम धर्मशास्त्रीय नमः, ओम वेदशास्त्रीय नमः, ओम महापाप विनाशाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम महासुराय नमः, ओम दुष्टग्रहाय नमः, ओम राजा राजिताय नमः, ओम काकाती माताय नमः। देवी, हमारे पुत्र गुरुदेव के पास गए क्या? इसीलिए इतना विलंब हो गया। प्रभु, आज हम लोगों के लिए विलाप का दिन है ना? हाँ देवी, आज का दिन हमारी रुद्रमा का मृत्यु दिवस है। उस दुष्ट अंबादेव ने अपनी कुटिलता से उस वीर नारी का अंत करके आज ही के दिन हमें दुख पहुँचाया था। क्षमा कीजिए प्रभु, ये बात याद दिलाकर मैंने आपका दिल दुखाया। यह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता देवी, इसलिए उस दुष्ट को मारने के लिए मैंने अपनी सेना भेजी है। उसका अंत होने तक मेरा हृदय व्याकुल रहेगा। प्रभु, आपके संकल्प के लिए माता जी का आशीर्वाद सदैव आप पर रहेगा। हमारी सेना अवश्य विजयी होकर लौटेगी। हाँ देवी, हमारे इस एक शिला नगर की काकतीय माँ ही रक्षक है। प्रभु, आपके दर्शन के लिए महामंत्री जी सभा आलोचन मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। देवी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। शुभ समाचार सुनकर लौट आइएगा। अवश्य देवी। बताइए मंत्री जी। अपनी सेना के जीतने के आसार दिख रहे हैं प्रभु। अच्छी बात है, विस्तार से बताएं क्या हो रहा है। अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया गया है प्रभु। एक भाग में सौम्य रुद्र अरिंदम ने अंबादेव के सिपह सलार मनमगंड गोपाल का अंत कर दिया है प्रभु। उसके पश्चात मनन गंडैया और इंदुलूरी मंत्री रेचरला एमाड़ी और साथ में पेंडेकल को अंबादेव का सामना करवाकर उसे हरा दिया है प्रभु। वो दुष्ट तो मारा गया ना? अभी इस वक्त वो जीवित है प्रभु, परंतु मृत्यु शैया पर है, अपाहिज हो चुका है प्रभु। अपने प्राण बचाने के लिए उसने पराजय को स्वीकार कर लिया है प्रभु। रणभूमि छोड़कर भाग चुका है वो। डरपोक कहीं का। और तीसरे भाग में गोवन गन्ना रेड्डी, विठल नाथ और ताता पिन्नमणि ने उस देवगिरी राजा को युद्ध में बंदी बनाकर अपने काकातीय राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं प्रभु। काकातीय राज्य के इतिहास के इस घटना को स्वर्ण अक्षर में लिखने का दिन है आज। समस्त नगर में विजय उत्सव की घोषणा कर दीजिए। राज्य में लौटने वाले सभी सैनिकों का सत्कार और सम्मान किया जाए। ठीक है प्रभु, उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। मंत्री जी, आज मेरा हृदय प्रसन्नता के मारे अत्यंत तरंगित हो रहा है। माँ रुद्रमा ने मुझे इस राज्य का राजा बनाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया मंत्री जी। अवश्य प्रभु। मंत्री जी, हमारे इस प्रदेश के सभी लोग हर स्थानों पर प्रसन्नता पूर्वक तो जी रहे हैं ना? आपके इस राज्य में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता प्रभु, यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी प्रजा के लिए आप एक अत्यंत गुणवान और महान राजा हो प्रभु।
मंत्री जी, हमें अपना गुणगान नहीं सुनना है, हमें तो उनकी प्रसन्नता चाहिए। अवश्य प्रभु, आपके परिवार द्वारा निर्मित तालाब रामप्पा, लक्कावरण, वैयारम, केसमुद्र, कुंचवरम, घनपुरम में नदियां, इससे लाखों एकड़ खेतों को पानी मिल रहा है। पूरे राज्य के लोग खुशहाली से जी रहे हैं प्रभु। और व्यापार की क्या स्थिति है? बताता हूँ, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, यहाँ पे नावों का व्यापार चल रहा है। श्रीगंधम, करपुर, मुच्चालू, इन जगहों पर रत्नों का व्यापार चल रहा है प्रभु। पंचतारा में अश्वों का व्यापार, शक्कर और मीठे का व्यापार और सुगंध द्रव्यों का व्यापार हम कर सकते हैं प्रभु। बर्मा, चीन, अरब के देश भी हमारे साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं प्रभु। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रमों आचार्य लोगों के पास भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सिर्फ वीर सेवकों को ही नहीं, वैष्णव धर्म को भी बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं प्रभु। सर्वधर्म संभाव हमारे राज्य में सही ढंग से चल रहा है प्रभु। आपके वर्णन करने का तरीका अत्यंत अद्भुत है। आपको मंत्री बनाकर हमने सही निर्णय लिया है। धन्य है प्रभु, आपके धर्म के पालन से मेरा जीवन पुनीत हो गया। हाँ, चलो आगे बढ़ो, चलो। चल चल। हाँ, गौड़ा भाई, देखा ना हमारा राज्य कैसा है। हाँ, जंगल में परी। हाँ, गौड़ा भाई, देख रहे हो आदिवासी लड़कियों को। हाँ, चलो एक बार जाके देखते हैं। चलो। रुको, बताओ कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो और क्यों रोक रही हो? तुम कौन हो बताओ और यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग काकतीय राज्य के राज्य सैनिक हैं, राजा के काम के लिए आए हैं। हाँ, तुम्हारे राजा को हमारे राज्य में क्या काम है? तुम्हारा राज्य है, ये पूरा साम्राज्य काकतीय राजा का है। नहीं, ये मेढारम राज्य है। हाँ? देखने में तो आदिवासी लग रही हो, तुम लोगों का भी राज्य है क्या? क्यों, मजाक उड़ा रहे हो क्या? उस तरफ लड़कियाँ स्नान कर रही हैं, वहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसा कहो ना, हम लोग यही खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। हाँ। क्यों, अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? ए, हम कौन है ये जानकर भी तुम उलझ रही हो? बहुत घमंडी हो तुम लोग, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। ए, अपनी हद में रहो तुम। क्या कर लोगे? हम दोनों ने इनसे कहा भी था कि लड़कियां वहां स्नान कर रही हैं, पर इन्होंने हमारी नहीं मानी। कौन हो तुम लोग? काकतीय राजा के सैनिक हैं हम लोग। तुम लोगों का यहाँ आने का कारण क्या है? इस काकतीय राज्य के हर गांव में भ्रमण करके राजा को समाचार देना ही हमारा कार्य है। हम लोगों का तुम्हारे राज्य से या तुम्हारे राजा से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य सिर उठाकर जीते हैं और जानवर सिर झुकाकर जीते हैं। तुम लोगों को जानवरों की तरह नहीं, मनुष्य की तरह जीना चाहिए। अगली बार हमारे राज्य में सोच समझ कर ही कदम रखना, ये तुम लोगों की पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहा हूं। गौड़ा भाई, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती की उसने, काकतीय राजा का सैनिक हो या जानकर भी अपमान किया हमारा। इन्हें हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन आदिवासियों को
हमें अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा घोड़ा भाई। हमें भी समाचार मिला है, उसकी तैयारी चल रही है। महाराज की जय हो। आपके दर्शन हेतु दो लोग आए हुए हैं महाराज। उन्हें आने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम, प्रणाम प्रभु। गौड़ा, ये क्या हुआ? तुम्हें आघात कैसे लगा? मैं बताता हूँ प्रभु, हम लोग भ्रमण करने के लिए मेढारम गांव के जंगलों में गए थे प्रभु। आगे कहो। एक तालाब के पास कुछ स्त्रियों ने हमारा रास्ता रोक दिया प्रभु। कारण क्या है? वो अपना राज्य नहीं है क्या? वो हमारा ही राज्य है प्रभु, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले तालाब में कुछ आदिवासी स्त्रियां स्नान कर रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि अभी उधर नहीं जाएंगे। तभी वहां पर दो स्त्रियां आकर हमसे झगड़ने लगी। उन्होंने कहा कि तुम लोग दूसरे राज्य के सैनिक होकर हमारे राज्य में कैसे चले आए। इस पर वाद विवाद बढ़ गया और वो लड़की हमें बंधक बनाकर अपने राजा के पास ले गई और हमें राज्य से बाहर निकाल दिया। वन स्त्रियों का इतना अहंकार और ये आघात कैसे लगा? उन्हीं लोगों ने हमें मारा प्रभु। हमने उन लोगों को ये बताया भी था कि हम काकती राज्य के सैनिक और भ्रमण करने के लिए आए हैं, फिर भी उन्होंने हम पे हमला करके हमें पकड़ के बंधक बना लिया और जंगल की ओर लेके गए प्रभु। तुम लोग दो स्त्रियों को नहीं मार पाए? नहीं प्रभु, उन स्त्रियों से झगड़ने की बजाय उनके बारे में हमारे लिए जानकारी लेना जरूरी था। ठीक है, फिर क्या हुआ? वो लोग हमें पूरे रास्ते मारते पीटते ले गई और अपने राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कौन है उनका राजा? कोई पड़ीगति राजू नाम है प्रभु। ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। पड़ीगति राजू का मतलब एलागंध राज्य के राजा का भांजा ना? हाँ प्रभु, राम बाबा के पुत्री के साथ विवाह करके उस राज्य का राजा बना है। उसकी पुत्री ने ही हमें बंदी बनाया था, सारा लम्मा नागा लम्मा। हाँ प्रभु, उनकी बेटी समक्का अपने गांव की सीमा में किसी को नहीं आने देती। अगर उनके राज्य में कोई किसी स्त्री का अपमान करता है तो उन्हें सजा देने की चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। मंत्री जी, वो प्रांत अपने ही राज्य में है ना? अपनी ही है प्रभु, उन्होंने कई वर्षों से हम लोगों को लगान भी नहीं दिया है प्रभु। कारण? कई वर्षों पहले उस प्रांत में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया था प्रभु। सारी जमीन बंजर हो गई थी, पशु पक्षी सब कुछ तबाह हो गए थे। उसके बाद? उस परिस्थिति में उनके दादा गणपति देव, उस समय के राजा को उस समय के बड़े बाबा के विनती पर वहां का लगान छोड़ दिया गया था। उसी समय से उस राज्य से किसी भी तरह का लगान प्राप्त नहीं हुआ। जो लोग हमारी दया कृपा पर जी रहे हैं, उन्होंने हमारे लोगों को दंड दिया, जबकि वो जानते हैं ये हमारे लोग हैं, अर्थात वो हमें लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वहां की आर्थिक परिस्थिति अभी कैसी है? अमोघ है प्रभु। देखने में भले ही वो एक जंगल है, परंतु वहाँ के लोग खेती करके सुखी से जी रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, उनकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी हो रही है, इसीलिए बहुत खुशहाल हैं वो लोग। सूखे की वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया था और वो आज भी उसी स्थिति में हैं। इसका मतलब गलती आपकी है। आज वो लोग खुशहाली से जी रहे हैं तो भी वो काकतीय राज्य के ही निवासी हैं। ये बात उन्हें किसी तरह से समझाइए। अवश्य प्रभु, इस विषय को मैं देख लूंगा। वो अपने बारे में भूल गए, हम उन्हें बताएंगे। गौड़ा चिन्ना। प्रभु। अब तुम लोग जाकर विश्राम करो, इस विषय पर हम विचार करेंगे। ठीक है प्रभु। मंत्री जी, मैंने आप पर आरोप लगाया, आप दुखी तो नहीं है? नहीं नहीं प्रभु, मेरा कर्तव्य मुझे याद दिलाकर आपने मेरी आंखें खोल दी। मंत्री जी, राजकाज कैसा चल रहा है? सामंत दंडनायक, रेड्डी कोया, कम्मा और वेलम्मा, सभी लोग लगान तो भर रहे हैं ना? हमारे गण अपना कार्यभार ठीक से तो कर रहे हैं? ठीक है प्रभु, बाकी सब तो ठीक है, इस काम में कोई भी तकलीफ नहीं है, परंतु। परंतु क्या? बस वही प्रभु, अपने लोगों को बेइज्जत किया तो वो मेड़ारम के आदिवासियों के अलावा। उस विषय में आपको विचारने के लिए कहा था ना? उस विषय में आपसे वार्ता करने के लिए और आपके निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए सेनापति और उपसेनापति को बुला लिया है प्रभु। हमारे लोगों ने ऐसा बताया है, इसका मतलब वो अपने आप को हमसे अलग सोचते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है प्रभु। ये तो हमारे साथ शत्रुता मोल लेना हुआ ना,
हमारे इस विशाल काकतीय साम्राज्य में इस तरह का विवाद बिल्कुल उचित नहीं है। सेनापति, आपने इस विषय में क्या सोचा है? प्रभु, मैं इतना जानता हूं कि वहां के लोग काफी सुख शांति से जी रहे हैं और उन्होंने काफी धन भी जमा करके रखा है, लेकिन लगान की बात करेंगे तो यही तो क्रोध का विषय है। हमारे राज्य का कोई भी प्रांत अगर अहंकार से ग्रसित है तो उसे उसी वक्त तोड़ना हमारा कर्तव्य है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो सभी हमें कायर समझेंगे। इसी समय मेढ़ाराम में हमारे प्रतिनिधि भेजे जाएं। उसके लिए हमारे उपसेनापति विट्ठलनाथ उचित रहेंगे। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा। आज ही मेढ़ाराम जाता हूँ और पड़िगति राजू से मिलता हूँ। उनका क्या कहना है ये जान कर आता हूँ और आपका संदेश भी उन्हें दे दूंगा। विट्ठल, आप ये काम ठीक से कर सकेंगे यही सोचकर महाराज आपको भेज रहे हैं। उनकी स्थिति, गति, उनका मनोभाव, सब कुछ, सारी बातें जानकर आना। उनके पास सेना कितनी है और युद्ध का सामान कितना है ये भी जान के आइएगा। ठीक है सेनापति जी। प्रभु, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जाइए। मेरा नाम भारैया है माँ। मैं एक कुष्ठ रोगी हूँ। गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से ऐसे ही भूखा भटक रहा हूँ माँ। आप देवी लग रही हैं। आप मुझे मत छुइएगा, नहीं तो ये बीमारी आपको भी लग जाएगी। अब आप ही हमें बाबा देवी कह रहे हैं ना, तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। हमारे साथ चलिए। नहीं माते, आप दोनों शुद्ध सोने की तरह हैं। आप मुझे मत छुइए माते, मैं कांटे के झाड़ की तरह हूँ। भैया, इतने दिनों तक आप अपना कर्म फल भोग रहे थे, आज के बाद आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। जरा अपने हाथ मेरे हाथों में दीजिए। भैया, ये हल्दी और कुमकुम अपने सारे शरीर में लगाकर टापनी गांव के तालाब में जाकर स्नान कर लो, आपका रोग चला जाएगा। ठीक है माँ, ऐसा ही करूंगा। आप तो शक्ति वाली देवी लग रही हैं। मैं अभी जाकर ऐसा ही करता हूँ माँ, ऐसा ही करता हूँ। मेरी बीमारी चली गई, मैं सामान्य मनुष्य बन गया हूँ। माँ समय का माँ, माँ सड़क का माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपने सब सुन लिया ना? अब आप अपना निर्णय बताइए। विट्ठलनाथ, पिछले कई वर्षों से हम लोग आजाद हैं, किंतु अगर अब हम अब से इस जमीन का लगान भरेंगे तो उचित नहीं होगा। ये लगान क्या होता है बाबा? विशाल देश में छोटे छोटे गांवों को संभालने के लिए राजा को उस राज्य की प्रजा को अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन क्यों? ऐसा करने से हम जैसों को क्या लाभ होगा? राजा उन पैसों से पूरे देश को चलाता है और प्रजा की रक्षा करता है। लेकिन महाराज, जब पिछले कई सालों में हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा था, तब उस राजा ने हमारी क्या मदद की थी? हाँ बताइए, हमारे दादाजी ने हमें ये बात कही थी, क्यों सच कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, किसी भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। ना जाने कितने लोग मारे गए, कितने जानवर मारे गए। अब ऐसे में जब हमारा गांव स्वतंत्रता से जी रहा है, वो लगान देने को कह रहे हैं,
यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी सब हमारी है। ये आप लोगों का आखिरी फैसला है? हाँ, हम किसी के भी नौकर नहीं हैं। हमारी स्त्रियों का या हमारे लोगों का किसी ने अपमान किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। कह दीजिए अपने राजा से। राजा की आज्ञा न मानने का मतलब? राजा? किसका राजा? हमारे लिए वो राजा नहीं है। हम ऐसे किसी राजा की बात नहीं मानने वाले। मैं, मेरी माँ, मेरी बहन नागुल अम्मा, मेरा भाई जम्पन्ना, हम जब तक मिलकर रहेंगे हम पर कोई शासन नहीं कर सकता। बोल देना अपने राजा से। बेटी सारल अम्मा, आपको देखते ही पता नहीं क्यों मेरे मन में श्रद्धा के भाव आते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा मन बहुत क्रोधित होने लगता है। राजा जी, आप स्वयं वहां आकर या फिर अपने किसी आदमी को वहां भेजकर अपना अभिप्राय हमारे राजा को बता दें तो बेहतर होगा। आप डरिए मत विट्ठलनाथ, हमारा मान रखने के लिए आपका धन्यवाद। आप उनके दूत बनकर आए हैं। यहाँ जो भी बातें हुई वो सब उन्हें बता दीजिएगा। आप क्या कहते हैं? हाँ विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ आप जाके राजा को बता दीजिएगा कि हम सदैव स्वतंत्र रहेंगे। हम इन धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं खुद जाकर उनसे मिलके आऊंगा। अच्छी बात है, ठीक है, मैं चलता हूं। महाराज की जय हो। उप सेनापति आपके दर्शन के लिए आपकी अनुमति मांग रहे हैं। उन्हें शीघ्र यहां भेजो। ठीक है प्रभु। प्रभु को मेरा प्रणाम। आओ विठल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेढ़ाराम की क्या स्थिति है? बताता हूं प्रभु, मेढ़ाराम एक बहुत बड़ा जंगल प्रांत है। वहां अनाज की खेती के साथ ही फलों की, मधु की, गन्ने की और नारियल की खेती होती है। प्रकृति का ऐसा आशीर्वाद है कि वहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहां का राजा पड़िगति राजू बहुत ही अच्छा आदमी है। वो तो ठीक है, परंतु मेरी बात का क्या हुआ? वो भी बताता हूँ। पिछले कई सालों से उस प्रांत में घोर अकाल पड़ने के कारण लोग दुखी थे प्रभु। उसके बाद राम बाबा को एक लड़की देवी के रूप में घनघोर जंगल में सम्मक्का के रूप में मिली। वहां के लोगों ने मुझे यही बताया। सम्मक्का? हाँ प्रभु, उसमें अद्भुत दैवी शक्ति है। उसकी आवाज में अद्भुत मिठास है। वहां के सारे आदिवासी उसे देवी के रूप में पूजते हैं प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, उनकी दूसरी बेटी सारलम्मा को भी लोग देवी का अवतार ही मानते हैं प्रभु। आगे बताइए। मैं तो सेनापति के रूप में गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने उनकी सभ्यता, संस्कृति और उनका अतिथि सत्कार देखकर मैं खुद चौंक गया प्रभु। हमारी समस्या का उस समस्या से क्या संबंध है? है प्रभु, उनकी जाति वालों का किसी ने अपमान किया तो वे चुप नहीं बैठते। उनकी जाति किसी का गुलाम नहीं है, वे कहते हैं। वहां की हवा, पानी, इन सब पर उनका एकाधिकार है। वहां के आदिवासी स्वतंत्र जिंदगी जिएंगे, ऐसा कहते हैं वे लोग। वहां का राजा पड़िगति राजू भी हमेशा उनके समर्थन में रहता है प्रभु। बंद करो इस प्रसंग को, हमने अपनी तरफ से तुम्हें भेजा तो तुम उनका ही गुणगान कर रहे हो। माफ कीजिएगा प्रभु, शत्रु की बड़ाई करना एक सैनिक के लिए गलत है, लेकिन उनकी बातें और उनका संस्कार देखकर मैं प्रभावित हो गया, और इसीलिए वहां की सच्चाई बताना मेरा धर्म है। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि मैंने वहां जाकर जो जो अनुभव किया वो आपको बताना मेरा फर्ज है प्रभु, लेकिन अपने राज्य की प्रजा पर अधिकार रखना भी मेरा कर्तव्य है प्रभु। अगर आप अनुमति दें तो उन आदिवासियों को आपके सामने ले आऊं प्रभु। ठीक है, सेनापति ने जो बताया था उस शक्ति का पता लगा लिया? हाँ प्रभु, सारी बातें सेनाधिपति को बता देता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और एक बात, उस वीर नारी का नाम क्या बताया? सम्मक्का सारलम्मा। सम्मक्का सारलम्मा, ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है प्रभु।
लेकिन बाबा, विठ्ठलनाथ की बातें सुनी तो ऐसा लगता है वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तो क्या करेगा वो, हमें काट डालेगा क्या? देखो बेटा, पहाड़ से टकराना ठीक नहीं है, सोच समझ कर काम लेना। ठीक कहा आपने पिताजी, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं? सच में मैं स्वयं जाकर और राजा से मिलकर अपने बारे में बताना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आप क्यों जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा सब। माँ, मैं भी जाती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। देखो बेटा, हम सब हैं तो तुम वहाँ क्यों जाओगी? तुम मत जाओ बेटी, इस काम के लिए तो जमपन्ना ही ठीक रहेगा। ठीक कहा माँ। देखो, तुम्हारा खून गर्म है, जरा संभल कर बात करना उनसे। ठीक है दादाजी, जो कुछ भी कहना है मैं उन्हें ठीक से समझाऊंगा। हमारी क्या परिस्थिति है ये मैं उन्हें समझाऊंगा। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये बात मैं उनके सामने रखूंगा। ऐसा मत कहो, संभल कर बात करनी चाहिए। कल ही मेढर हम गांव का दूत बनकर उस राज्य के राजा से जाके मिलो। जो आज्ञा महाराज। राजाधिराज, राजमार्तंड, एक शिला नगर पालक, काकतीय सार्वभौम, परम महेश्वरा, दादा गणपति देव, प्रिय भाग्य अम्बा देव, रुद्रा महादेव का प्यारा बेटा नरसिम्हा, विश्वनाथ सौअन्ना, रुद्रा भास्कर, देसिया सौकल्य, मल्लन्ना संगीत काव्य कला पालक, काकतीय प्रिय पुत्र, प्रिय साम्राज्य सार्वभौम, श्री 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 प्रताप रुद्र चक्रवर्ती। सभा प्रारंभ किया जाए। महाराज की जय हो। बेड़ारम क्षेत्र से कोई आदिवासी आपके दर्शन के लिए आया है प्रभु। शीघ्र उन्हें अंदर बुलाओ। अवश्य प्रभु। प्रभु को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम जमपन्ना है, मैं मेढ़ाराम से आया हूं। तुम्हारा मेढ़ाराम भी बाकी के राज्यों की भांति ही खेती किसानी के कारण धन धान्य और सुखी संपन्न जी रहा है, ऐसा मैंने सुना है। परंतु कई वर्ष हो गए हैं आप लोग इस राज्य का लगान नहीं भर रहे हैं, यह जानकारी हमें मंत्री जी ने दी है। इसी हेतु मैंने दूत आपके पास भेजा था। आपसे मिलने के बाद आपके माता पिता हमसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। हमें आपके प्रांत पर आप जैसे लोगों पर अत्यंत अभिमान है। हमारे देश के सभी लोग हमारे लिए एक समान हैं। आपकी बातों को जानने के लिए मैं कब से प्रतीक्षारत हूं, परंतु आप लोगों ने यहां पर मात्र एक दूत को ही भेजना उचित समझा। क्या संदेश लेकर आए हो तुम, हमें तुरंत बताओ। आपने जो सुना जो कहा वो सब सत्य है। आप लोग तो हमारी सिर्फ कमाई देख रहे हैं, परंतु हमारी लगान भरने की परिस्थिति नहीं है। पिछले एक या दो नहीं बल्कि 10 वर्षों से मेढ़ाराम की भूमि सूखी थी। उस समय तो हमारे यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची महाराज। तब सिर्फ इतना कहा गया कि लगान मत भरना, लेकिन कोई मदद नहीं की गई थी। हमारे पूरे गांव के जीव मर रहे थे, धरती सूख चुकी थी, नदियां सूख चुकी थी, खेत खलिहान सूख चुके थे। लेकिन हमारे गांव की एक देवी माँ के आशीर्वाद से हम फिर से खुशहाल हुए। हमारे गांव में संपन्नता आई, देवी की वजह से हम समृद्ध हुए। और आज जब हम संपन्न हैं तो आप हमसे लगान मांग रहे हैं, क्या ये न्याय है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें ऐसे ही जीवन यापन करने दिया जाए। क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा मेढ़ाराम प्रांत हमारे राज्य में नहीं है क्या? नहीं है। मतलब लगान नहीं भरना चाहते? आखिर किस बात का लगान, आप लोगों को लगान दिया क्यों जाए? तुम सभी के सभी यहाँ के निवासी हमारे चक्रवर्ती राजा जी के नीचे ही जी रहे हो, इसलिए ये आवश्यक है। हम इससे इनकार करते हैं। आपके सानिध्य में एक या दो प्रांत होंगे और क्या है? प्रजा की भलाई के लिए ही लगान भरते हो, उनके लिए ही उस धन का उपयोग किया जाता है,
फिर भी इस तरह की बात करके अहंकार वाली बात कर रहे हो जो तुम्हारे और राज दोनों के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हमें माफ कीजिएगा महामंत्री जी। आपके राज में हमारे जंगल का क्या भला हुआ ये तो बताइए महामंत्री जी। ये धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये किसी के नहीं है, ये सब ईश्वर का वरदान है और उस वरदान से प्राप्त हुई चीजों के लिए हम आखिर इस राज्य को लगान क्यों भरेंगे बताइए महाराज। हमें ये सब प्रकृति से मिला है तो हम इसके बदले में लगान भरने से मना करते हैं। आवेश में आकर आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, दंड मिल सकता है आपको। हो सकता है प्रभु। वैसे आप ये बताइए, क्या आपसे प्रश्न पूछना भी गलत है? प्रश्न पूछना और उल्टा जवाब देना ये सब विष मिले हुए धान की भांति है और हम उसे अपने नाखून से, अपनी छोटी उंगली के नाखून से काट कर फेंक देंगे। आप तो ऐसा ही सोचेंगे ना प्रभु, परंतु आप जैसा सोच रहे हैं हम वैसे नहीं हैं। हम सदियों से वहाँ रहते आए हैं, हमारे पास हजारों की ताकत है महाराज, कम मत समझना। अगर सारे आदिवासी एक हो गए और अपनी धरती की रक्षा के लिए यदि उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली तो उस मुट्ठी का वो घातक वार समस्त साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये चेतावनी है और ऐसा किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। आप ज्यादा बोल रहे हैं। ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, मैं आपके सामने वास्तविकता रखते हुए विनती कर रहा हूँ। राजा से अधिक एक नौकर की शक्ति होती है, तुम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो, सही कहा ना? हाँ प्रभु, नौकर के हाथों में बेड़ियां पहनाकर अपनी सेवा करवाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि एक बार वो बेड़ियां खुल गई ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगे महाराज। वो बहुत घातक होगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं, परंतु हमारी जाति का गुस्सा और उनके अधिकार आपके डर से बुझने वाली आग नहीं है। मेरे सिर्फ एक आदेश पर तुम और तुम्हारी जाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप कम आंक रहे हैं प्रभु, हमारे लोगों के अंदर की छिपी हुई शक्ति को आप कम समझ रहे हैं। हमारे शक्ति सामर्थ्य की गाथा पूरा जंगल गाता है, यदि हम एक हो गए तो प्रभु बहुत गलत होगा। यदि सभी लोग ऐसे ही तिरस्कार करेंगे तो ये राज्य कैसे चलेगा? बाकी सभी राज्यों में भी विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगेगी। हमारे राजा दयालु हैं, इसलिए उनके सामने तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुम इनकी शक्ति को नहीं जानते हो। नहीं मंत्री जी, आज से पहले हमारे उस जंगल में कोई भी राजा नहीं आया था, तो अचानक आप अपना अधिकार कैसे जताने लग गए? हमारे कष्ट में सदैव हमने ही स्वयं को संवारा है, तो ऐसे में कोई राजा का क्या हक बनता है कि वो वहाँ लगान मांगने के लिए चला आए प्रभु? मेरे राज्य के अंदर इतना असंतोष? नहीं, सम्बक्का सरक्का की वजह से हमारे लोग वहाँ बहुत ही सुख और शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। ये संतोष है या फिर अहंकार है? दोनों है प्रभु। हमारे लोगों की जीवन शैली प्रकृति के सामंजस्य में है और कभी कभी उस प्रकृति से हमें लड़ना भी पड़ता है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, लेकिन हम सभी लोग कष्ट सहते हुए बिना हार माने उस परिस्थिति का सामना करते हैं। और इसी तरह हमने वहां पर खेत खलिहानों को हरा किया, वहां पर फसलें पैदा की और ऐसी पैदावार की कमाई हम भला आपको क्यों दें? दिन रात बारिश धूप सभी मौसमों की मार सहते हुए हमने जो कमाई की है, जो धन जुटाया है, वो हम आपको नहीं देंगे। संपन्नता बढ़ने के साथ साथ अहंकार भी बढ़ता है। शक्तिशाली को भी कभी कभी कष्ट पहुंचता है, वो दरिद्र हो जाता है, सच कहा ना? ऐसा कभी नहीं होगा। चींटियों के बनाए बिल में कभी सांप नहीं रह सकता प्रभु। चींटियों में जो बुद्धि मौजूद है वो सांप में नहीं है। हाँ, सांप में जो गुस्सा होता है वो चींटियों में नहीं होता, और ये अटल सत्य है महाराज। परंतु यदि उन चींटियों ने हमला कर दिया महाराज, तो चाहे सांप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी है महाराज। किसी का काल किस रूप में आए ये कोई नहीं जानता है, और ये प्रकृति का अटूट सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। प्रभु, अपने राज्य में अधिकार से भागने वाले लोग बहुत होंगे, भय से, इच्छा से या फिर अपनी जरूरत के लिए लगान भरने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे महाराज, परंतु ये आपका बल नहीं है, ये तो सामने वाले का बल है। परंतु मेरा ये मानना है महाराज, यदि कोई आपके सामने आकर अपनी जरूरत पूरी करना चाहता है तो वो हो सकता है
आपके प्रति कृतज्ञ हो, परंतु याद रखिए भय से बड़ी भक्ति होती है, और जो आपके प्रति भक्ति रखते हैं आपको उनके प्रति दया करनी चाहिए महाराज। तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य की शक्ति को तुम अत्यंत ही कम आंक रहे हो। तुम छोटी जाति के जंगली लोग हो, इसलिए सुन रहा हूँ। ऐसी धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते हैं महाराज। जब हमारी जमीन पर सूखा पड़ा था तब आपने हमारे लिए क्या किया था? कौन सी मदद भेजी थी? हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। हमने उस सूखी जमीन को सींच कर हरा भरा किया और आज हम मेहनत करके वहाँ पर खा रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं और सुख से जी रहे हैं। हमें ऐसे ही जीने दीजिए और स्वतंत्र रहने दीजिए ताकि हम आपके प्रति कृतज्ञ रहें। ये हमारी आपसे विनती है, हमें इन सब से दूर ही रखिए। ये कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता क्या है पहले ये सीखो। लगान न भरने के कारण यदि कोई समस्या आती है तो उसका दायित्व मेरे ऊपर नहीं होगा। अब तुम्हारी व्यर्थ की बातें सुनने की इच्छा मुझमें नहीं रही। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेड़हरम के बड़े बुजुर्गों को हमारी बातें समझा दो। लगान भरने के क्या फायदे हैं ये भी उन्हें बताओ। सही निर्णय ले लो और तुरंत लगान भरो। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम लोग यहाँ का लगान नहीं भर देते। अगर मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें हर तरह से युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो देवी, मैं जाता हूं। क्या हुआ, डर रही हो क्या? क्यों नहीं जी, जब से जम्पन्ना लौट कर आया है तब से मेरे हृदय में बुरा अनुभव हो रहा है। आप संभल कर जाइएगा। ठीक है, तुम हिम्मत रखना, जो होना है वो तो होगा ही। यहाँ सभी लोगों को समझाकर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहना होगा, क्योंकि वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। मैं वही करने वाला हूँ। एक बात कहूँ, बच्चों को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ दामाद जी को भी साथ लेते हुए आएंगे। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। देखिए देवी, विठलनाथ ने हमें बताया पड़ीगति राजू वहां का राजा है, परंतु सम्मका देवी ही वो राज्य चलाती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक विनती करना चाहती हूँ प्रभु। कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री, ये बात तो सभी जानते हैं। बोलिए महारानी। वो सम्मका तेजस्वी स्त्री है, आदिवासियों की देवी है। उनके पैदा होने के बाद ही उस प्रांत में सुख शांति आई। ओ, इसका मतलब आपको उनके बारे में सारी जानकारी है। नहीं प्रभु, अभी अभी आप ही ने तो कहा ना। प्रभु, अपने राज्य में ही जब ऐसी श्रीमूर्ति है तो आप ऐसा कहेंगे कि हम लोग धन्य हैं। आप जैसा वीर और कोई नहीं है इस पूरे भारत देश में, आपसे पराक्रमी कोई नहीं। प्रभु, उन्हें एक बार देखने की इच्छा हो रही है। समय आने पर आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। प्रभु, मेरी एक विनती है। आदिवासी लोग गरीब हैं, नदी के पास पेड़ के नीचे घने जंगलों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु, इतने बड़े राज्य में अगर सिर्फ वो लोग लगान नहीं भरेंगे तो क्या होगा? देवी, इस वीर प्रताप रुद्र के राज्य में छोटे बड़ों का कोई भेदभाव नहीं है। राजा की आज्ञा का पालन होना चाहिए और लगान हर किसी को भरना होगा। और एक बार सोच लीजिए प्रभु, उन गरीब लोगों के मनोभाव को किसी भी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। सदैव शत्रुओं के साथ लड़ने वाला विठलनाथ उनकी बातों से प्रभावित हो गया। मेरी पत्नी भी उस सम्मका की तरफ घूम गई है। फिर भी वो जगह इस विशाल काकतीय राज्य का ही हिस्सा है। इसका सही निर्णय मैं करूंगा। प्रभु, आपने मेरी बात सुनी, यही मेरे लिए बहुत है। देवी, मैंने पहले ही कहा था, कर्णेशु मंत्री इतना ही नहीं, भोजेसी माता सैनेसी रंभा भी तुम ही हो। वो क्या कह रहे हैं मंत्री जी? सारी बातें आप तो जानते ही हैं प्रभु।
विट्ठलनाथ की इस तरह की बातें और जमपन्ना का बहस, ये तो आपने देख ही लिया। हाँ प्रभु, यदि हमारे समक्ष काकाती साम्राज्य के प्रतिष्ठा का सवाल उत्पन्न होता है तो हमें उसे मिटा देना चाहिए, यही हमारा धर्म है। अपनों से ही लड़ना देश हित में नहीं है प्रभु, परंतु ऐसे लोगों को क्षमा भी नहीं करना चाहिए। सत्य कहा मंत्री जी, परंतु सामान्य लोगों को युद्ध के कारण हानि पहुंचना हमारे। हम युद्ध करने नहीं जा रहे हैं प्रभु, बस उन्हें धमकी देकर अपनी तरफ मिलाना है। आप क्या कहते हैं सेनापति? हाँ प्रभु, हमारी सेना को देखकर वो लोग अवश्य डर जाएंगे। एक और बात प्रभु, अभी कुछ दिन पूर्व उस प्रांत में हमारे सैनिकों का अपमान करके भेजा था उन्होंने, जो एक अशोभनीय काम था, फिर भी हमारे दलपति उन्हें क्षमा करने के लिए कह रहे थे। हाँ प्रभु, जो होना है वो तो हो गए, परंतु तुम लोग लखनावरम गांव की सीमा के बाहर सैनिकों को रोके रखना और उन्हें युद्ध के विषय में जानकारी देना, तब भी अगर वो न माने तब तुम जो चाहो वो करना। ठीक है प्रभु, हम चलते हैं प्रभु। जितना हो सके उतना कम रक्तपात हो, इस कार्य को सफल करके लौटे। ठीक है प्रभु, ठीक है। कोंडा, यहाँ की हवा बदल रही है, हम सबका जीवन मुश्किल में पड़ने वाला है। माँ, आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हवा तो कहीं चल नहीं रही। वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा कोंडा। सारी सेना तैयार है, लेकिन बोलो विट्ठल। प्रभु ने उन्हें समझाने के लिए कहा है, अगर शांति से नहीं समझेंगे तो। कितनी बार समझाओगे, यदि उन आदिवासियों के पास इतना घमंड है तो हमें कितना होगा। इसलिए उन्हें सही सबक सिखाना होगा। तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है विट्ठल। हाँ मंत्री जी, जब तक वो सम्मक्का और सारा लम्मा उन लोगों के साथ रहेंगी तब तक हम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हमने वहां की सारी जानकारी रखने वाले रुद्र को बुलाया है। प्रभु, वो दोनों स्त्रियां ध्यान करने के लिए हर रोज जंगल में जाती हैं, ऐसा वहां के लोगों ने बताया है। जी हाँ मंत्री जी, ये सच है। इसलिए वो जब वहां नहीं रहेंगी तब हम आक्रमण करेंगे। सामने वाले को बताकर दंड देना राजनीति है। हमारी नीति सिर्फ उनको हराना ही है। समक्का सारक्का ध्यान करने गई हैं। कोई बात नहीं, हम लोग उनका सामना कर लेंगे। कारण्णा जी बोलिए। तुम पूर्व में जाकर उन लोगों का सामना करो। बाबूजी, आप गौरन्ना के साथ जाइए। ठीक है चलो गौरन्ना। गंपन्ना तुम? मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है मुरन्ना। मालिक तुम थोड़े लोगों को लेकर दक्षिण की तरफ जाओ। ठीक है मालिक। गोविंद राजन जी बोलिए। तुम कुछ लोगों को साथ लेकर तालाब के पास इंतजार करो। ठीक है। तुम तालाब की ओर जाओ, कंपन्ना मेरे साथ आएगा। जी बिल्कुल। चलो कंपन्ना मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं, आ जाओ।
तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे। अपने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राम बाबा को, परिगति राजू को, जबन्ना, गंडन्ना सब लोग मारे गए। अब आप ही कुछ करें माँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ, आप लोगों का ध्यान का समय देखकर कायर कहीं के। सुनो प्रताप रुद्र, मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारे कुल की काकतीय माता हूँ। सारा मेढारम प्रांत रक्त के जैसा बह रहा है, पर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? उठ जाओ, समक का सारक का मेरे ही अंश से पैदा हुई देवियाँ हैं। उनके क्रोध का शिकार बनने से पहले तुम वहाँ जाओ, जो हुआ उसके पाप का प्रायश्चित करो। ए, उठ जाओ। क्षमा कर दो माँ, मैं अभी जाता हूँ। मैं अपने पापों के प्रायश्चित करूंगा माते। महारानी, महारानी, मैंने महाराज को शीघ्रता से महल से बाहर जाते हुए देखा। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ महारानी। जल्दी जाकर मंत्री जी को बुलाओ। जी महारानी। माँ परमेश्वरी, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप? इन लोगों की जान बचाने के लिए ही हमें जन्म दिया था आपने, पर हम इन लोगों की जान नहीं बचा पाए। आइए देवी, आइए आइए और हमें अपने साथ ले जाइए। समक्का, सारक्का, चिंता मत करो, ये विधि का विधान है। तुम जिस कार्य के लिए आई हो वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अपनी महिमा तुम सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं, समस्त जनता को बताकर उन सब की देवी बनोगी। तुम दोनों की जो पूजा करेगा उन्हें सुख, शांति और संपन्नता मिलेगी। तुम्हारे नाम से मेढारम में मेला लगेगा। ये दिन ब दिन बढ़कर सारे संसार में प्रसिद्ध होगा। आप लोग कहाँ हो? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो?
आप लोगों को देखे बिना मैं जी नहीं सकता माँ। माँ सारक्का माँ, माँ सारक्का माँ, आप लोगों को देखे बिना मैं नहीं रह सकता माँ। कोंडा, कोंडा, माँ, माँ, समक्का माँ, सारक्का माँ, मुझे छोड़ के आप लोग कहाँ चली गई थी माँ? घबराओ मत, हमें संसार में जिस कार्य के लिए आई थी वो पूरा हुआ। हम सदैव तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी कोंडा। हाँ कोंडा, तुमने हमेशा हमारी सेवा करके पुण्य प्राप्त किया है। तुम और तुम्हारे वंशज हमारे मंदिर के पुजारी बनकर जियोगे। कोंडा, तुम्हें यही रहकर हमारी महिमा लोगों तक पहुंचानी है। हाँ कोंडा। ठीक है माँ। माँ, सम्मका सारक्का, एक बार मुझे दर्शन दे दो। मैंने जो पाप किए हैं मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मालिक, अब क्यों आए हो मालिक? हमारे माताओं को लीन करवा दिया आपने और वो दोनों, वो अब हमें कभी दिखाई नहीं देगी। अपने किए हुए पापों के कारण इस हल्दी कुमकुम का मंदिर बनाकर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महामंत्री प्रभु, हर 3 वर्षों में एक बार इन माताओं के लिए मेला लगना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ठीक है प्रभु। इन माताओं को मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ इस सोने के हार के अलावा? इस सोने का हमारी माँ क्या करेगी महाराज? मैं बताऊँ उन्हें क्या पसंद आएगा? ये गुड़ बहुत पसंद आएगा, वो इसे स्वीकार करेंगी और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। आज से कुलदेवी काकतीया माँ नहीं, परंतु आप हमारी कुलदेवी हैं माँ। जय सम्मका माँ, जय सम्मका माँ, जय सारलम्मा माँ, जय सारलम्मा माँ, जय जय सम्मका माँ, जय जय सम्मका माँ, जय जय सारलम्मा माँ, जय जय सारलम्मा माँ। सम्मका माँ की जय, सम्मका माँ की जय, सम्मका माँ की।